मैं हूँ शाकिर, आ गया हूँ एक और नए दिन में एक और नए प्रोडक्ट के साथ जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है। आज हम करने वाले सैमसंग की 32 इंचेस फुली एचडी एलसीडी की रिव्यू, जहाँ पर हम आपको बताएंगे इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या इसके अंदर आपको मिलेगा, क्या फीचर्स आते हैं इसके अंदर, कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा, क्या फीचर, मतलब इसके अंदर जितने भी डिटेल्स है सारी चीज़ें हम आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाले। तो मेक श्योर वीडियो के अंदर एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो बिना किसी देर के मैं सबसे पहले इस प्रोडक्ट का कर लेता हूँ अनबॉक्सिंग, फिर उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। सो दोस्तों, फाइनली हम प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर चुके हैं। उसके बाद में सबसे पहले आपको देखने को मिलती 32 इंचेस की एलईडी, उसके साथ ही आपको दो टेबल स्टैंड मिलते हैं। आप इनको अगर टेबल स्टैंड पर माउंट करना चाहते हैं तो आप टेबल पर माउंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको वॉल माउंट करना चाहते हैं तो वॉल पर भी माउंट कर सकते हैं। ये इसके स्क्रू आते हैं, साथ ही इसके अंदर आपको कनेक्टर मिलता है जो आप अपनी पुरानी जो एंटीना वगैरह आता था उसके अंदर जैसे आप अगर इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो सैमसंग अपना अलग से पोर्ट देता है, ताकि क्या कि आपका जो वायर्स है वो कोलेप्स ना हो, उस वजह से सैमसंग अलग से कनेक्टर देता है। साथ ही आपके लिए अंदर इसके अंदर मिलते हैं आपको एक ऑक्स केबल, अगर आप इसके अंदर होम थिएटर वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं। सो ये आपको अलग से साउंड आउटपुट के लिए अलग से ऑक्स केबल मिलती है। इसके अलावा आपको मिलता है सैमसंग का प्यारा सा छोटा सा एक रिमोट, जिसके अंदर आपको मिलते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह अमेजोन के डायरेक्ट ऑप्शंस। इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स है, G5 वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये एक छोटा सा रिमोट, आप इसको वीडियो अगर पोस्ट करके देखना चाहते हैं रिमोट की डिटेल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो मिलता है क्विक गाइड सेटअप मिलता है, अगर आप इसको वॉल माउंट करना चाहते हैं या फिर आप इसको इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो सारी डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएगी, आप कैसे इसका इंस्टॉल करना है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंपनी मेंशन करके देती है। इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग आपकी सारी डिटेल इसके अंदर रहती है। इसके अलावा इसके अंदर दोस्तों आपको एक पावर केबल देखने को मिलती है जो कि आप पावर कनेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग से भी देखने को मिलती है, बाकी हर ब्रांड के अंदर फिट कंपनी अंदर ही फिट करके देती है। साथ ही इसके अंदर आपको मिलती है यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड, आपको इसके अंदर A to Z जो भी आपकी एलईडी के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल है वो पूरी A to Z इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको कुछ भी इशू आता है या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है या फिर आप कुछ भी फीचर चेक करना चाहते हैं पूरी इस गाइडलाइन के अंदर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर आप अपना काफ़ी अच्छे से डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर आपको मिलता है, क्या क्या फीचर्स है डिस्प्ले में, क्या 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 फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, किस टाइप की डिस्प्ले मिलती है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको इसके अंदर, सारी चीज़ें मैं आपको भी आगे चल के बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। सो मैं इसको फिट कर लेता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो दोस्तों, जैसे ही हम एलईडी को स्टार्ट करते हैं आपको सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसके होम बटन के ऊपर प्रेस करूंगा तो होम बटन पे आपको ये सारे इंटरफेस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप अपना कोई सैमसंग का अकाउंट अगर आप यहाँ लॉगिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, साथ ही जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलेंगे यहाँ मिल जाते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसके अंदर जो प्री इंस्टॉल के अंदर आता है, आपको यहाँ पर सारे जो भी आपके एप्लीकेशंस रनिंग में जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया या फिर यूट्यूब वगैरह की जो भी वीडियोस होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे मैं वापस से होम प्रेस करूँगा, जैसे होम प्रेस करूँगा ये होम पे आ जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइव इंटरनेट, अगर आप यहाँ पे जो भी लाइव टीवी आपका जैसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, प्राइम, एप्पल टीवी, यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। साथ ही गैलरी का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गैलरी के अंदर अगर आप यहाँ पे जीमेल के थ्रू लॉगिन करते हैं तो आपकी जीमेल आईडी वगैरह से आप यहाँ पे अपनी इसका इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं जीमेल का गैलरी ऑप्शंस। साथ ही मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। सेटिंग में जैसे ही अपन चलेंगे तो यहाँ पे पिक्चर साइज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर मोड अलग अलग आपको दे रखे हैं, पिक्चर मोड में आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। साउंड आउटपुट वगैरह आपको देख रखा है। साउंड के अंदर इसके अंदर आपको दोस्तों 20 वाट के स्पीकर मिलते हैं, 10-10 वाट के दो स्पीकर मिल जाएंगे। साथ ही डॉल्बी साउंड सिस्टम का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग में देखते हो तो आप अपना जो नॉर्मल चैनल वगैरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। जनरल सेटिंग के अंदर यहाँ पे एसेसिबिलिटी के अंदर आप देख सकते हैं वॉइस गाइड सेटिंग वगैरह, काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है, नेटवर्क स्टेटस वगैरह मिल जाता है। सिस्टम मैनेजर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सिस्टम मैनेजर इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपका जैसे एप्पल एयरप्ले आप अगर यहाँ पे आपका एप्पल एयरप्ले ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप उस वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ एक्सटेंडेड डिवाइस मैनेजर वगैरह के अंदर आप अपनी इसके अंदर जो भी आप अपना सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको एक्सटर्नल डिवाइस मैनेजर के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। आप गेमिंग मोड जैसा भी आप अपना सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। स्मार्ट फीचर में मैं आपको दिखा देता हूँ स्मार्ट फीचर में आपको क्या देखने को मिलता है।
यहाँ पर आप अपना ऑटो रन स्मार्ट हब कर सकते हैं, या फिर आप अपना ऑटो रन लास्ट ऐप, जो भी आप लास्ट एप्लीकेशन यूज़ करे थे वो अगर आप ऑटो स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो दिखा देता हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसके अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो आप देख सकते हैं। साथ ही डिवाइस केयर के अंदर इसके अंदर जो भी आपके चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग के आपको यहाँ पर टर्म्स कंडीशन पॉलिसी दिख जाती है। सो दोस्तों, अब मैं वापस से होम पे आ चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी आपको देखने को मिलती है। पिक्चर क्वालिटी मैं यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ। सो दोस्तों, फाइनली अभी YouTube स्टार्ट हो चुका है काफ़ी टाइम के बाद में। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी, आपको सारे कलर ऑप्शंस वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इसके अंदर आपको LED देखने को मिलती है। इमेजेस भी काफ़ी क्लियर क्रिस्टल देखने को मिलेगी आप इसके अंदर। इसके अलावा आप कनेक्टिंग फीचर्स में आप इसको कनेक्टिंग स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। सो इसके अंदर आपको जो पिक्चर रेजोल्यूशन है वो 1366x786 का आपको इसके अंदर पिक्चर रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। पिक्चर इंजन जो इसके अंदर कंपनी बोलती है कि हम इसके अंदर हाइपर रील का पिक्चर इंजन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्ट की LED क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा इनहेंस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सीरीज 4 की ये सीरीज आपको मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपको जो वीडियो का रेजोल्यूशन है वो हाइपर रील मिलता है। पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स आपको PQ9 जो इसके अंदर अवेलेबल ऑप्शन है वो 900 का मिलता है। साथ ही इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है वो मेगा कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कलर ऑप्शन जो आपको इसमें मिलते हैं वो प्योर कलर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही कॉन्ट्रेस्ट जो इन्हेंसर है इसके अंदर वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आप जैसे हम काफ़ी बड़ी LEDs के अंदर देखते हैं कि फिल्म मोड हमको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी इन्हेंस होती है। 32 inches की जो LED है आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी इसकी। सो दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे मैंने आपको ओपन करके दिखाया है यूट्यूब के ऊपर। आप अपना बॉक्स को अनबॉक्स चैनल है, अगर मेक श्योर अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी हमने LED की यहाँ पे आपको पहले से दे रखी है। अगर आप LEDs की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही अगर आप चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस आपको सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। इतनी सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना के डाल रखी है। जो भी आप प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करना है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेटेस्ट प्रोडक्ट और लेटेस्ट डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी का दिखाता हूँ कि साउंड क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर 20 वाट के डॉल्बी स्पीकर साउंड आपको देखने को मिलेगा। सो चलिए इसकी साउंड क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपको 10-10 वाट के 2 स्पीकर मिलते हैं। साथ ही जो दोनों स्पीकर है इसमें आपको डॉल्बी सराउंड सिस्टम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप वीडियो के अंदर साउंड क्वालिटी एग्जैक्ट साउंड क्वालिटी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर ईयरफोन लगा के इसका साउंड क्वालिटी का इन्जॉय करें।
मैंने आपको इसका साउंड क्वालिटी सुनाया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कैसी आपको लगी इसकी साउंड क्वालिटी। साथ ही इसके अंदर जो आपको सिस्टम मिलता है वो टाइजन का सिस्टम मिलता है, टाइजन का ओएस मिलता है, जिसकी वजह से ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। सो टाइजन का मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं 5 स्टार में से अगर टाइजन को अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर स्टार रेटिंग देने की आउट ऑफ 5 तो मैं 3 स्टार ही दूंगा, क्योंकि इसका जो कंपेटेबल है वो आई डोंट थिंक सो कि एक एलईडी के अंदर इतना आपको यूजेबल रहता है, इतने सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन क्या है कि डेली लाइफ या डेली रूटीन के अंदर वो सिस्टम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोलेप्स करते हैं। तो मेक श्योर आप एलईडी परचेस करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देख ले कि उसके अंदर और सिस्टम कैसा है, कौन सा लेटेस्ट अपडेट है या नहीं है। आप करंट में उसको चेक करें कि वो वर्क सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं लैग तो नहीं कर रहा है, कहीं हैंग तो नहीं कर रहा है, सिस्टम कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि सैमसंग या फिर कोई भी कंपनी के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका एलईडी का एक हर्ट होता है, उसके ऊपर ही आपकी पूरी एलईडी वर्क करती है। अगर आप पिक्चर क्वालिटी देखना चाहते हैं या फिर सडन एप्लीकेशन को स्विच करना चाहते हैं तो वो उस टाइम पे जो टाइम लगता है या फिर जो सिस्टम हैंग होने का जो टाइम होता है या फिर अगर हैंग नहीं हो रहा है तो काफ़ी अच्छा, अगर हैंग होता है तो उसके अंदर जो ओएस सिस्टम है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसी वजह से क्या है कि मेक श्योर अगर आप कोई भी एलईडी परचेस करें तो उसका ओएस सिस्टम देख लें या फिर एक बार उसको ऑपरेट करके ज़रूर देखें कि वो स्विच कैसे हो रहा है, उसका स्विचिंग टाइम कितना है, एप्लीकेशन कैसे रन कर रही है, आप रिमोट से उसको ऑपरेट करने के लिए सिग्नल देते तो कितने टाइम में वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको उसके अंदर मेक श्योर देख लेनी चाहिए। मैंने अभी एलईडी के अंदर जो मैंने पर्सनली अपना जो एक्सपीरियंस किया उसके अंदर मैं आउट ऑफ 5 3 स्टार इसको देना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा लेग है, जिसकी वजह से आपको कहीं आगे जाके प्रॉब्लम ना हो या फिर आप बोले कि मैंने कहीं इन्वेस्ट किया तो अगर कहीं सही किया या नहीं किया। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लें कि कोई भी एलईडी परचेस करने से पहले। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के अंदर यही तक था, मैंने सारी डिटेल आपको बता दिए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डिटेल चाहिए, कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमारे इंस्टाग्राम ट्विटर या फिर फेसबुक में, वहाँ पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहेगी। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं अगर चैनल पर नए हैं। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।